करने के लिए
श्वास होता है, जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अगर हम शरीर को गर्माएंगे तो उससे क्या होता है, हमारा रक्त जो जमता नहीं है वो निरंतर गति करता रहता है। फिर अगला है नंबर 8, खेल प्रतियोगिता में पूर्ण शरीर को गर्म करने से खिलाड़ी का अपने खेल के मुकाबले के प्रति मानसिक तनाव कम हो जाता है, जिससे उसका प्रदर्शन जो होता है, जो खेलने का तरीका होता है वो अच्छा होता है। नंबर 9 है, शरीर को गर्माने से पाचक क्रिया में सुधार होता है। शरीर को गर्माने में एक ओर तो भूख अधिक लगती है और दूसरी ओर भोजन अति शीघ्र पच जाता है। हमारे शरीर को गर्माने से क्या होता है, हमारे जो पाचन क्रिया है वो अच्छी तरीके से चलने लग जाती है, हमें भूख लगने लग जाती है और अधिक भूख लगेगी तो हमारे शरीर को अधिक शरीर की, क्योंकि खुराक तो हमें हमारे शरीर के लिए चाहिए, क्योंकि जितना खिलाड़ी खेलेगा उसको उसी तरीके से खुराक भी मिलती रहनी चाहिए। तो ये था आपका लेसन नंबर 2। इस लेसन के सभी क्वेश्चन आपने जो मैंने करवाए हैं वो अपने नोटबुक में नोट करते रहें, और जो आपके अति लघु क्वेश्चन हैं वो और लघु आत्मक क्वेश्चन हैं और MCQ हैं वो सभी आप अपने घर में बैठ के लर्न करते रहें और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहें, ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। और नोटबुक का काम और अपना होमवर्क सभी बच्चे साथ ही साथ में करते रहें, ताकि आज का काम का जो बर्डन है वो कल पे ना पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाकी हमारे दो चैप्टर हो चुके हैं, हमारा सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है फिजिकल का, क्योंकि जुलाई के अंदर होमवर्क के लिए 2 ही चैप्टर दिए गए हैं। अप्रैल और मई का जो आपका सिलेबस है वही दिया हुआ है, तो इस वजह से आपके दोनों लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो जितने भी होंगे उनके अंदर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको लर्न करवाया जाएगा। तब तक के लिए हम यही इस वीडियो को विराम देते हैं।